Question number 9 में, if the sum of 7 terms of an AP is 49, तो S7 दे रखा है 49, and that of 17 term is 289, तो 17 terms का sum कितना है 289, ये sum यहीं से आ रहा है, if the sum of 7 terms of an AP is 49, and that of 17 terms, 17 terms का sum कितना है 289, तो हमें find out करना है n terms का sum, n terms के sum का formula क्या होता है, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d, n terms का ही sum निकालना है, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, n तो given है, तो n नहीं evaluate करना, एक तो a और एक d, किसी तरह a और d evaluate कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, S7, तो S7 निकाल लेते हैं, S7 क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करना है हमें 7, तो ये बनेगा 7 by 2 into 2a plus n minus 1d, n की जगह पुट कर रहा हूँ 7, तो ये कितना हो जाए 7 minus 1 6d equal to कितना दे रखा है 49, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं या 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी a plus c d, या तो 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3d, 7 यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। नेक्स्ट दे रखा है S17 के लिए अगेन से इस फॉर्मूले में n को पुट कर देते हैं 17, तो वैल्यू बनेगी 17 by 2 2a plus n minus 1, n कितना है 17 minus 1 कितना हो गया 16d is equal to दे रखा है 289, तो अगेन से यहां से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये बनेगी वैल्यू a plus 8d is equal to 17, यहां पे मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 89 को 17 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 17, इक्वेशन 2, सॉल्व कर लेना है इक्वेशन 1 को और 2 को, a और d की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेनी है, तो दोनों इक्वेशन इकट्ठी लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट हो गया, माइनस 8 है, तो ये वैल्यू बची हमारे पास माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू 2 आ गई, पुट कर देते हैं, d इज इक्वल टू 2 इन किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में पुट कर रहा हूं, 1 में d की जगह पुट कर रहा हूं 2, तो वैल्यू आएगी a plus 3 into 2 is equal to 7, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इतना बना ये 6, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 6, 7 में से 6 जाएंगे, तो a की वैल्यू आ गई 1, a भी आ गया, d भी आ गया, n terms का sum निकालना है, find the sum of n terms, तो Sn का ये formula, इसके अंदर values रख देते हैं, Sn is equal to n by 2, a, a की value बनी है 1, n minus 1, d की value बनी है हमारे पास 2, is equal to होगा n by 2, 2 की 1 से multiply करेंगे 2, plus 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n minus 2, इनको ऐड कर लेते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बना हमारे पास n by 2 into 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बनी n square, तो Sn का हमारे पास sum of n terms बनेगी n